अब देखो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ वांडरवाल गैस। हमें वांडरवाल गैस के लिए इक्वेशन दी गई है। वांडरवाल गैस का मतलब यहाँ पे रियल गैस से है, ठीक है, और 1 मोल है, इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू 1 ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, एन मोल के लिए वांडरवाल गैस इक्वेशन क्या होगी, फॉर एन मोल व्हाट इज द वांडरवाल गैस इक्वेशन। ये तुम देखना क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, वांडरवाल गैस इक्वेशन, एन मोल के लिए वांडरवाल गैस इक्वेशन क्या होगी। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ये 1 मोल के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट में आया था एज इट इज, ठीक है। 1 मोल मतलब एन मोल के लिए वांडरवाल गैस इक्वेशन, 4 ऑप्शन थे, एन की वैल्यू अलग अलग जगह पुट की हुई थी, तो यहाँ से ये तुम्हें सर्च करना नेट पे डायरेक्ट, यदि तुम्हें याद नहीं है सर्च करके उसको एक साइड में लिख लेना, भाई एन मोल के लिए वांडरवाल गैस इक्वेशन क्या होगी। तो क्वेश्चन इससे अलग है बिल्कुल, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ वांडरवाल गैस इज गिवन बाय दिस। ये हमें इक्वेशन गिवन है वांडरवाल गैस के लिए, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। एंड इट्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इसकी हमें ये गिवन है, यू नोट प्लस सी वी टी माइनस ए बाई वी। यहाँ पे यू नोट और ए ये सब कॉन्स्टेंट है, सी वी भी कॉन्स्टेंट है। शो दैट फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है एक तरीके से। ये ऑप्शन फॉर्म में भी आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पूछ लेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो देखो प्रोसेस कौन सा है। प्रोसेस हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कैसे स्टार्ट करें, लेकिन एक बार प्रोसेस को देख लो, प्रोसेस कैसा है। प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है हीट ट्रांसफर जीरो। हीट ट्रांसफर जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस जो वर्क डन है इनका जो सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये डी यू लिख लो, इसको डेल्टा मत लिखो, इसको लिख लो डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू को हम, जो यू है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, तो डी यू को क्या हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी डी टी प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा वी डी वी, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये यू है वो टेम्परेचर का और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो हमने इसको कंप्लीट डेरिवेटिव में लिख दिया। डी यू बाई डी टी यहाँ से आएगा हमारे पास में सी वी, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी टी तो ये आएगा हमारे पास में सी वी और डी टी एक साथ में है हमारे पास में। डी यू बाई डी वी करेंगे तो ये एक माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी वी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किस में रिलेशन निकालना है, मेरे को टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में हमें रिलेशन निकालना है, और ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, ये हमें यहाँ पे हमारे पास में डी टी भी आ रहा है डी वी भी आ रहा है, ठीक है। वर्क डन क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे वर्क डन होगा पी डी वी, डी डब्ल्यू होगा यहाँ पे पी डी वी, पी क्या है यहाँ पे, पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, ठीक है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से P की वैल्यू आएगी आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाय वी स्क्वायर। तो पी डी वी करेंगे तो आर टी बाय वी माइनस बी इंटू डी वी माइनस ए बाय वी स्क्वायर डी वी। डी डब्ल्यू और डी यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल सम करके दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो यहाँ से ये आएगा सी वी डी टी प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी वी प्लस आर टी अपॉन वी माइनस बी डी वी माइनस ए बाई वी स्क्वायर डी वी, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, आज समझ में आई। तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन क्या आ चुकी है, ये जीरो के इक्वल है, सी वी डी टी प्लस आर टी अपॉन वी माइनस बी डी वी, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है,
ठीक है, ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी टी वाले कोफिशियंट को अलग कर लो, सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन वी माइनस बी डी वी, टी को नीचे ले आए, सी वी को भी चाहिए इधर ले जाओ तुम, डी टी बाय टी माइनस आर बाय सी वी बी माइनस बी डी वी। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका दोनों तरफ यदि हम इंटीग्रेट करें तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास में आएगा लॉग टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास में, आर बाय सी वी माइनस बाहर है लॉग वी माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा दोनों को, लॉग टी प्लस आर बाय सी वी लॉग वी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, इस इक्वेशन को हम प्रूव कर सकते हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, टी वी माइनस बी की पावर आर बाय सी कॉन्स्टेंट, ये यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। लॉग है इन दोनों का सम है, तो ये मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, टी इंटू वी माइनस बी की पावर आर बाय सी वी इज इक्वल टू 0। तो ये कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ ई की पावर लेंगे, लॉग को रिमूव एंटी लॉग लेंगे, तो इस एंटी लॉग 0 यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में वी माइनस बी की पावर आर बाय सी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये रिलेशन चाहिए तुम याद भी रख लेना, ठीक है, जैसे कई एग्जाम ऐसे होते हैं डायरेक्ट जहाँ पे रिलेशन पूछे जाते हैं, जैसे बी एच यू वगैरह में छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे रिलेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग याद रखना है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए और रियल गैस हमें गिवन हो तो उसके लिए जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है उसका ये रिलेशन होगा। ठीक है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन फॉर रियल गैस या वांडरवाल गैस, ये हमारा फाइनल रिलेशन होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है। एक कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2, और जिसकी एफिशिएंसी है वो 50% है, ईटा की वैल्यू 50% और टेम्परेचर T1 और T2 है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ हीट दैट इज अब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वॉयर टू कोल्ड रिजर्वॉयर, मतलब हीट का रेशियो हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास में देखो कार्नोट इंजन है, जैसे ये टेम्परेचर T1 है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये टेम्परेचर T2 है। ठीक है, यहाँ से Q1 हीट ली हमने, Q2 हीट रिमूव की। ठीक है, तो इन दोनों हीट का रेशियो फाइंड करना है, हीट अब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट रिमूव्ड, Q1 बाय Q2 का हमें रेशियो फाइंड करना है, और हमें एफिशिएंसी गिवन है। देखो एफिशिएंसी का जो इन जनरल फॉर्मूला है वो है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी हमें कितनी गिवन है, 50%, मतलब 50/100, मतलब 1/2, ये हमें एफिशिएंसी गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, Q1 बाय Q2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू हाफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू हाफ, तो Q1 बाय Q2 आ जाएगा हमारे पास में 2। ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट होगा Q1 बाय Q2 का। यदि Q2 बाय Q1 पूछे तो वो हाफ हो जाएगा, 0.5। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये इन जनरल चाहे कार्नोट इंजन की बात करो चाहे नॉर्मल इंजन की बात करो जिसकी एफिशिएंसी गिवन हो और तुम्हें Q1 बाय Q2 और Q2 बाय Q1 का रेशियो पूछा हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि टेम्परेचर गिवन हो फिर रेशियो पूछा हो, Q1 बाय Q2 का मान लो T1 और T2 की वैल्यू गिवन हो और Q1 बाय Q2 का रेशियो पूछा हो, तो वो सिर्फ कार्नोट इंजन के लिए ही फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे एफिशिएंसी का है, यदि कार्नोट इंजन की बात करें तो कार्नोट इंजन में हमें पता है 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस T2 बाय T1। ये सिर्फ इक्वेशन कार्नोट इंजन के लिए ही वैलिड है, ये याद रखना, एक आइडियल कार्नोट इंजन के लिए ही जिसमें सभी के सभी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे उसके लिए ही ये इक्वेशन वैलिड है। लेकिन 1 माइनस Q2 बाय Q1 तो इन जनरल है, और ये 1 माइनस T2 बाय T1 के इक्वल होगी सिर्फ कार्नोट इंजन के लिए।
जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें देखो, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर इज डबल, इसको हमने डबल कर दिया कीपिंग टी टू कॉन्स्टेंट, मतलब जो सिंक है उसका टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट रखा है, तो फाइंड आउट द न्यू एफिशिएंसी, नई एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है। तो न्यू एफिशिएंसी को हम मान लेते हैं ईटा टू, पहली वाली को ईटा वन मान लेते हैं, वो 50% है, न्यू को मान लिया हमने ईटा टू, और इसका जो इन जनरल फॉर्मूला है 1 - T2 / T1, टी टू तो हमने फिक्स रखा है और टी वन को हमने डबल कर दिया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर डबल एंड कीपिंग टी टू कॉन्स्टेंट, तो न्यू एफिशिएंसी क्या होगी। अब न्यू एफिशिएंसी निकालने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए हमें, T2 / T1 का रेशियो, और हमें पता है जो पुरानी एफिशिएंसी है 1 - T2 / T1 वो 50% है। बात समझ में, यहाँ से T2 / T1 का हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा 1/2, तो T2 / T1 आ जाएगा हमारे पास में 1/2, तो 1/2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 1 - 1/2 इंटू T2 / T1 की वैल्यू है 1/2, तो 1 - 1/4, 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 75% या 0.75, ये हमारे पास में नई एफिशिएंसी की वैल्यू होगी। बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, और इन जनरल एफिशिएंसी पे एक क्वेश्चन बनता है, यदि कार्नोट इंजन से क्वेश्चन बनेगा तो, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस ये तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मोल ऑफ मोनाटॉमिक गैस, 1 मोल मोनाटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर, ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी सी डी, और ये जो दोनों लाइन है ए बी लाइन और सी डी लाइन, ये मैंने अच्छे से नहीं बनाया यहाँ पे, ये ओरिजिन से पास कर रही है, याद रखना ये दोनों ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें गड़बड़ दिख रही होगी, कर्व ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐसे समझना, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बनाने में गड़बड़ होगी थोड़ी सी, ठीक है। द वॉल्यूम रेशियोज आर वी बी बाई वी ए का रेशियो हमें गिवन है 2, ठीक है, ये जो वी बी और वी ए का रेशियो है 2, वी सी अपॉन वी ए का रेशियो हमारे पास में 4, द टेम्परेचर टी ए हमें गिवन है 300 केल्विन, ये जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन गिवन है, तो यहाँ पे फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ गैस इन स्टेट सी, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, और ये जो कर्व है वो वी टी कर्व है, यहाँ पे जो कर्व पी वी कर्व नहीं गिवन है, तो मैं वी टी कर्व गिवन है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टेम्परेचर ऑफ गैस इन स्टेट सी, सी स्टेट में गैस का टेम्परेचर क्या होगा। ये देखो ये वी टी कर्व है, तो मतलब जो बी सी कर्व है, बी सी जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस होने का मतलब जो टी बी होगा वही टी सी होगा, बात समझ में आई, जो टी बी होगा वही टी सी होगा, और हमें क्या गिवन है, हमें एक ही टेम्परेचर गिवन है टी ए, तो टी ए और टी बी में एक रिलेशन बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए ए बी प्रोसेस कैसा है। देखो हमें टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर टेम्परेचर से ही हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वी सी, यदि हम इस पॉइंट पे टेम्परेचर, यदि आइडियल गैस और टेम्परेचर डायरेक्ट फाइंड करना चाहें, तो हमें क्या रिलेशन लगाना पड़ेगा, पी वी इक्वल टू आर टी, तो टी होगा पी वी बाय आर, लेकिन पी की वैल्यू हमें नहीं पता है, और इस पॉइंट पे चलो वी सी भी हम एक हद तक निकाल लें, मान लो वी सी की वैल्यू हम फाइंड कर लें यहाँ से 4 VA, ठीक है, लेकिन हमें प्रेशर की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता है जो टी बी टेम्परेचर होगा वो एक टी सी होगा, और टी ए की वैल्यू हमें पता है, टी ए और टी बी में हम एक रिलेशन बना सकते हैं, टी ए और टी बी क्या है हमारे पास में, देखो ये प्रोसेस कैसा है, ए बी प्रोसेस, जो ए बी प्रोसेस है यहाँ पे वी प्रोपोर्शनल टू टी है, बात समझ में, क्योंकि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, और यदि किसी भी प्रोसेस में वी प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब पी वी इक्वल टू आर टी से तुम देख सकते हो वी प्रोपोर्शनल टू टी है, इसका मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ये मतलब कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये जो ए बी प्रोसेस है और सी डी प्रोसेस है, दोनों ओरिजिन से लाइन पास कर रही है, मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या ये लिख सकते हैं, वी ए बाय टी ए इक्वल टू वी बी बाय टी बी, ये लिख सकते हैं, तो टी बी क्या आ जाएगा यहाँ से, टी बी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास वी बी
बाई वी ए इंटू टी ए। वी बी बाई वी ए का रेशियो हमें गिवन है 2, टी ए हमें गिवन है 300, तो आएगा हमारे पास में 600 केल्विन। तो ये टी बी की वैल्यू आ जाएगी 600 केल्विन। जो टी बी की वैल्यू होगी वही हमारे टी सी की वैल्यू होगी, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ऐसे ही वो तुम्हें कुछ भी पूछ सकता है, एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन होगी, ठीक है, और कोई भी टर्म पूछ सकता है, ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकता है, इस कर्व को तुम पीटी कर्व में ड्रॉ करो या पीवी कर्व में ड्रॉ करो, ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, लेकिन वो सिंपल होगा। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें लास्ट में दे दूंगा जिसमें हमें कर्व को कन्वर्ट करना होगा एक अलग दूसरे कर्व में, वीटी कर्व को पीवी कर्व में, पीवी कर्व को वीटी कर्व में, और बहुत इजी होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता ये करना। प्रोसेस के बारे में आइडिया हो तुम्हें, प्रोसेस कैसा है, यदि प्रोसेस के बारे में पता लग गया तो तुम कर्व ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। अब एफिशिएंसी के देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास में, एफिशिएंसी के हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एफिशिएंसी के दो मेन जो फॉर्मूले हैं वो ये है। अब ये हमें गिवन नहीं है भाई, ये कार्नोट साइकिल है, ठीक है, कार्नोट साइकिल तो नहीं गिवन है, तो 1 - T2 / T1 का तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। ये जो साइकिल गिवन है हमें वो इन जनरल कोई भी साइकिल है, तो हम कौन सा एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 - Q2 / Q1, या तो हम ये लगा सकते हैं W/Q1, मतलब कितना वर्क किया, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा हमें, और टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई ये निकालना पड़ेगा हमें, मतलब साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क निकालना सभी प्रोसेस का। या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब निकाल लो, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिमूव्ड निकाल लो, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई और कितनी हीट रिमूव्ड हुई ये कैलकुलेट कर लो, तो हमारे पास में एफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे वर्क निकालना पॉसिबल है सभी प्रोसेस में। देखो ए से बी प्रोसेस, देखो यहाँ पे ए से बी, जो बी प्रोसेस है वो आइसो बैरिक प्रोसेस है। आइसो बैरिक प्रोसेस है इसका मतलब हमें बी पॉइंट और ए पॉइंट का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, लेकिन हमें रिलेशन पता है वी बी बाई वी ए इक्वल टू 2। तो हम V की टर्म्स में हम प्रोसेस निकाल सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट हमें रेशियो नहीं, एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, हम V और VB की टर्म्स में जो वर्क डन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम हीट अब्जॉर्ब्ड और हीट रिमूव्ड निकालनी पड़ेगी। इसको ट्राई करते हैं, पहले वर्क डन से भी ट्राई करना तुम, ठीक है, ये तुम खुद करना, होमवर्क है तुम्हारे लिए, क्या ये निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, तुम एक बार ट्राई करना। पहले टोटल वर्क निकालना हर एक प्रोसेस में, ठीक है, चारों प्रोसेस में, ये जो चारों प्रोसेस है ए बी सी डी, इन चारों प्रोसेस में टोटल वर्क निकालना, टोटल हीट कितनी अब्जॉर्ब की सिस्टम ने वो कैलकुलेट करना, उन दोनों का रेशियो फाइंड करना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हीट रिमूव्ड और हीट अब्जॉर्ब्ड हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब चारों प्रोसेस में हम हीट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, वी विल फाइंड हीट ट्रांसफर इन ऑल प्रोसेस, फिर हम देख लेंगे ये हीट एब्जॉर्ब्ड है या हीट रिमूव्ड है, ठीक है। हीट ट्रांसफर सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से प्रोसेस की, ए बी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास ए बी प्रोसेस, और ए बी प्रोसेस कैसा है, आइसो बैरिक प्रोसेस। आइसो बैरिक प्रोसेस के लिए एक हीट का हमारे पास में फॉर्मूला है, डी क्यू को हम लिख सकते हैं एन सी पी डी टी, बात समझ में आई। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हमारे पास में जो हीट ट्रांसफर होगी दैट इज एन सी पी डी टी, और एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 मोल है ना गैस, देखो 1 मोल गैस है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सी पी यहाँ पे हमारे पास में मोनोटोमी गैस है, मोनोटोमी गैस के लिए जो सी वी की वैल्यू होगी वो होगी 3/2 R, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है और काइनेटिक थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे। 3/2 R जो सी पी की वैल्यू होगी वो होगी सी वी प्लस आर, मेयर्स रिलेशन से ये होगी 5/2 R, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 R। और टेम्परेचर का डिफरेंस डी टी यहाँ पे है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है यहाँ पे, देखो ए बी प्रोसेस में मतलब टी बी माइनस टी ए,
और टी बी माइनस टी ए का क्या रेशियो है, टी बी क्या है हमारे पास 600 केल्विन और टी ए क्या है हमारे पास 300 केल्विन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 R 600 माइनस 300, तो 300 300 × 5/2 R, तो ये आएगा 750 R। तो ये हमारे पास में होगी फर्स्ट प्रोसेस में हीट, ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो हीट है वो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है, हीट एब्जॉर्ब्ड, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो सिस्टम में वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है, बीसी प्रोसेस। बीसी जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, जो बीसी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कैसे निकालें, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब जो हमारे पास डेल्टा यू है वो जीरो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर आइडियल गैस, तो हमारे पास में जो हीट ट्रांसफर होगी वो वर्क डन के इक्वल होगी, और वर्क डन क्या होगा, एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन, ये हमारे पास में वर्क डन होगा और यही हीट ट्रांसफर के इक्वल होगा, एन वन है, आर टी कितना है टेम्परेचर, जो टी बी है वही टी सी है, तो ये है 600 केल्विन इंटू लॉग वी टू अपॉन वी वन, मतलब यहाँ पे वी टू क्या है हमारे पास में वी सी अपॉन वी बी, बात समझ में आई, वी सी अपॉन वी बी, यहाँ पे देख सकते हो वी सी अपॉन वी बी का हमें रेशियो निकालना है, हमें क्या गिवन है, वी बी बाय वी ए टू, वी बी बाय वी ए टू गिवन है, और हमें क्या गिवन है, वी सी बाय वी ए फोर, वी सी बाय वी ए फोर गिवन है, तो वी ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वी बी बाय टू इस इक्वेशन से, ठीक है, वी ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वी बी बाय टू, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, वी ए की जगह हम पुट कर देंगे वी बी बाय टू इक्वल टू फोर, तो ये आ जाएगा वी सी बाय वी बी आ जाएगा हमारे पास में टू, वी सी बाय वी बी टू आ जाएगा, ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे आर इंटू 600 लॉग टू, लॉग टू की हमें वैल्यू गिवन है 0. या इसको लॉग टू के टर्म्स में पढ़ा रहने दो एक बार, तो ये आ जाएगा 600 आर लॉग, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी हीट है वो एब्जॉर्ब्ड हुई है, तो ए बी प्रोसेस में भी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है, बी सी प्रोसेस में भी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है, मतलब हीट सिस्टम ले रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है लगातार, पहले वी ए से वी बी वॉल्यूम हो गया, फिर वी बी से वी सी वॉल्यूम हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सी डी प्रोसेस की, सी डी प्रोसेस, जो सी डी प्रोसेस है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्योंकि ओरिजिन से लाइन पास कर रही है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में हमें पता है जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा सी वी डी टी, एन सी वी डी टी, एन की वैल्यू वन है, सी पी डी टी होगा, सॉरी सी पी है 5/2 R, और डी टी क्या है यहाँ पे देखो, डी टी है इस प्रोसेस में टी डी माइनस टी सी, टी डी माइनस टी सी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और जो टी डी है वो टी ए के इक्वल है, क्योंकि जो ए डी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे देख सकते हो जो ए डी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो और जो टी सी और जो बी सी प्रोसेस वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो जो सी पे टेम्परेचर होगा वो बी पे होगा, जो ए पे होगा वो डी पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/2 R, टी डी की वैल्यू हमारे पास में 300 माइनस 600, तो ये आएगा हमारे पास में माइनस 5/2 R इंटू 300, तो ये आएगा माइनस 750 R, तो ये हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्टेड, टोटल हीट रिजेक्ट हुई है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हीट बाहर निकल रही है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमें बात करनी है लास्ट प्रोसेस की, जो है डीए प्रोसेस, जो डीए प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो जो हीट ट्रांसफर हो वर्क डन के इक्वल होगी एन आर टी लॉग वी ए अपॉन वी डी, फाइनल वॉल्यूम अपॉन
इनिशियल वॉल्यूम ये वर्क का फॉर्मूला है, एन की वैल्यू 1 है, आर टेम्परेचर कितना है 300 इस प्रोसेस में, डी ए प्रोसेस में टेम्परेचर है 300, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी ए अपॉन वी डी। वी ए अपॉन वी डी कैसे कैलकुलेट करें, देखो हमें क्या गिवन है, वी बी गिवन है, वी ए गिवन है, वी सी वी ए ये सब चीज़ें हमें गिवन है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी डी अपॉन वी ए, डी और ए में रिलेशन निकालना है, लेकिन हमारे पास वी डी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो जो प्रोसेस है सी डी प्रोसेस है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस और हमें टेम्परेचर का रिलेशन पता लग गया था, ठीक है बात समझ में आई। यहाँ पे देखो इसको मैं रब करूँगा, यहीं कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड यहीं कर देता हूँ साइड में। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सी डी प्रोसेस है वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस है इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, वी ए और वी डी में रिलेशन फाइंड करना है, वो वर्क फाइंड करने के लिए। सी डी एक आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस है मतलब वी सी इज प्रोपोर्शनल टू, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो हम ये लिख सकते हैं वी सी बाय टी सी इज इक्वल टू वी डी बाय टी डी, ये लिख सकते हैं वी सी बाय टी सी इक्वल टू, जैसे ये लिखा था हमने इस प्रोसेस के लिए ए बी प्रोसेस, वैसे ही सी डी प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं वी सी बाय वी डी का जो रेशियो होगा वो होगा टी सी बाय टी डी, और जो टी सी बाय टी डी है, टी सी हमारे पास में है ये कैलकुलेट किया था 600 केल्विन, और टी डी हमारे पास में है जो टी ए है 300 केल्विन, तो ये 2 आ जाएगा। तो वी सी बाय वी डी का रेशियो आ जाएगा हमारे पास में 2, और ये प्रोसेस है वी सी बाय वी ए हमारे पास में है 4, वी सी बाय वी डी आ गया 2, वी सी बाय वी डी आ गया 2, और हमारे पास में वी सी बाय वी ए है 4, ये है ना वी सी बाय वी ए 4। हाँ अब इन दोनों में आपस में रिलेशन बनाओ, वी सी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वी सी को लिख सकते हैं 2 वी डी, तो 2 वी डी को यहाँ लिखो, 2 वी डी अपॉन वी ए इज इक्वल टू 4, तो वी डी बाय वी ए कितना आ जाएगा 2, तो वी ए बाय वी डी कितना आ जाएगा 1/2, तो 300 आर लॉग 1/2, तो ये आ जाएगा 300 आर लॉग 1 माइनस लॉग 2, लॉग 1 जीरो हो जाएगा तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस 300 आर लॉग 2, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी हीट रिजेक्ट, कंप्रेशन हो रहा है तो मतलब हीट रिजेक्ट हुई है, ये भी हीट रिजेक्टेड है, ठीक है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला देखो क्या है एफिशिएंसी का, 1 माइनस क्यू टू बाय क्यू वन, क्यू टू है हीट रिजेक्टेड, टोटल हीट रिजेक्टेड, और क्यू वन है हीट अब्सॉर्ब्ड। अब हीट रिजेक्टेड कितनी है हमारे पास में, क्यू टू की वैल्यू हीट रिजेक्ट कितनी हुई, माइनस 300 आर लॉग 2 और माइनस 750 आर। अब माइनस नहीं लगाओ, जब तुमने हीट रिजेक्टेड लिख दिया उसको, यहाँ पे ये नहीं करोगे भाई क्यू टू को माइनस लेके वो प्लस हो जाएगा फिर तो एफिशिएंसी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव में लेकिन एक्चुअल में वो रिजेक्टेड है, वहाँ नेगेटिव आ रहा है इसलिए वो रिजेक्टेड है, लेकिन ऐसे नहीं नेगेटिव के साथ ही पुट कर दोगे, यहाँ पे नेगेटिव के साथ पुट रिजेक्टेड लिख दिया तो नेगेटिव लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 750 आर प्लस 300 आर लॉग 2, ये हीट रिजेक्टेड है, ये ना देखो माइनस 300 आर लॉग 2 और माइनस 750 आर, और हीट अब्जॉर्ब कितनी है 600 आर लॉग 2 और 750 आर, 600 आर लॉग 2 प्लस 750 आर, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्यू टू हमारे पास में 750 आर 300 आर लॉग 2 750 आर प्लस 600 आर लॉग 2, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 750 प्लस 300 इंटू 0.693, 750 प्लस 600 इंटू 0.693, जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम इसकी जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास में वो आएगी 0.17,
0.17, यस 17% कह सकते हो, ये एफिशिएंसी होगी। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हुआ होगा, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, प्रोसेस के बारे में ही पता लगा होगा। वर्क डन, अब तुम्हें एक काम करना है, तुम चेक करना यार ये कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते, मैंने ट्राई नहीं किया है। वर्क डन, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना, क्या इन्फॉर्मेशन इनफ होगी वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। और टोटल हीट अब्जॉर्ब तो हमने कैलकुलेट कर ही ली, टोटल हीट अब्जॉर्ब तो ये है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना और इन दोनों को डिवाइड करना, टोटल हीट अब्जॉर्ब और वर्क डन को डिवाइड करना और देखना एफिशिएंसी है वो सेम आ रही है या कुछ अलग आ रही है। क्या तुम वर्क डन कैलकुलेट करते हो, कर सकते हो सभी प्रोसेस में, नहीं कर सकते उसको एक बार चेक कर लेना, ट्राई कर लेना, मैंने ट्राई नहीं किया, एक बार तुम ट्राई कर लेना ठीक है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देता हूँ जो तुम्हें होमवर्क करना है। ये एक पीवी, ये तुम्हें एक पीटी कर्व गिवन है, पीटी कर्व गिवन है, ए बी सी डी प्रोसेस है, ए बी सी डी, और जो ए बी लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, ए बी सी, सॉरी ए बी सी ए प्रोसेस गिवन है, ये प्रेशर पी नॉट है, ये यहाँ पे टू पी नॉट है, ये टी नॉट है, ये टू टी नॉट है, मतलब इनकी टर्म्स में आएगा टी नॉट पी नॉट के टर्म्स में आंसर मिलेंगे हमें। गामा की वैल्यू 1.4 है। पहले तुम्हें क्या करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, फिर तुम्हें इस पीटी कर्व से तुम्हें कौन सा कर्व ड्रॉ करना है, वीटी कर्व ड्रॉ करना है और पीवी कर्व है वो ड्रॉ करना है ठीक है। इसका जो आंसर वो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में ये सेम पीडीएफ आंसर के साथ में मैं सेंड कर दूंगा, इसका आंसर भी लिख दूंगा और ये दोनों कर्व भी ड्रॉ करके मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, एक बार तुम ट्राई करना फिर वहाँ से तुम चेक कर लेना ठीक है।